उत्तल दर्पण। हमने अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को और उनसे मिलने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखा। अवतल दर्पण दोनों वास्तव और आभासी प्रतिमा बना सकते हैं, जो वस्तु के अंतर पर निर्भर होता है। हम ढूंढेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम ये भी जानेंगे कि किरणाकृति का उपयोग प्रतिबिंब का स्थान, आकार, अभिमुखता और स्वरूप का अंदाज करने के लिए कैसे होता है। ये उत्तल दर्पण है, ये बड़े गोले का हिस्सा है। गोले का बाहरी पृष्ठ में परावर्तक पदार्थ का लेप लगाकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है, लेकिन अंदर के पृष्ठ में लेप लगाने से अवतल दर्पण बनते हैं। मूल गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण नाभि एफ मुख्य अक्ष पर दर्पण का पृष्ठ और वक्रता केंद्र के बीच होती है। याद रखें, वक्रता केंद्र और नाभि दर्पण के पीछे वस्तु के विरुद्ध दिशा में होते हैं। नाभि उत्तल दर्पण के पीछे होती है, इसीलिए ऐसे दर्पण को ऋणात्मक नाभ्यांतर मूल्य होता है। उत्तल दर्पण को कभी कभी अपसरण दर्पण कहते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से निकलने वाले प्रकाश का इस दर्पण पर परावर्तन होकर वो फैलता है। देखिए कैसे एक ही बिंदु से निकले चार आपतित किरण उत्तल दर्पण पर परावर्तित कैसे होते हैं। चार में से हरेक किरण परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होंगे। परावर्तन के बाद प्रकाश किरण फैल जाते हैं और बाद में वे कभी भी एक दूसरे को वस्तु की ओर नहीं काटेंगे। इसी कारण उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, जो दर्पण के पीछे कहीं पर बनती है। यहां वस्तु उत्तल दर्पण के आगे की ओर रखी है, वस्तु से निकले हुए प्रकाश किरण आते हुए दिखाए हैं और बाद में दर्पण के पृष्ठ से परावर्तित होते हैं। हर देखने वाले को परावर्तित किरण की सरल रेखा में देखना पड़ेगा ताकि वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे। हर किरण को पीछे बढ़ाया तो वो प्रतिच्छेद बिंदु में मिलेंगे, जहां सब बढ़ाए हुए किरण मिलते हैं वो प्रतिबिंब का स्थान होता है। आकृति में दिखाया हुआ प्रतिबिंब आभासी है। प्रकाश असल में प्रतिबिंब के स्थान से नहीं जाता है, सिर्फ देखने वाले को एहसास होता है कि वस्तु के हर हिस्से से परावर्तित होने वाला प्रकाश इस आभासी प्रतिमा की जगह से फैलता हो। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिमा का स्थान निश्चित करने के लिए हम अवतल दर्पण के नियम दोहराते हैं। पहला नियम है, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष को समांतर जाने वाला आपतित किरण ऐसे परावर्तित होगा कि उसको बढ़ाने से वो नाभि में से जाएगा। दूसरा नियम है, कोई भी आपतित किरण उत्तल दर्पण पर पड़ने से अगर उसको बढ़ाने से वो नाभि से जाता हो तो वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को समांतर जाएगा। हम उत्तल दर्पण की किरणाकृति की कल्पना करने के लिए सिम्बकेट सिमुलेशन का उपयोग करेंगे। वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर किसी भी जगह पर रखा है, उसकी ऊंचाई स्लाइडर से कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है दर्पण के पीछे, इसलिए आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण से अलग उत्तल दर्पण हमेशा ऐसे ही प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणधर्म आसानी से बताए जा सकते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का और एक गुणधर्म है, वस्तु के अंतर से प्रतिबिंब का अंतर और आकार निर्भर है। आकृति में दिखाई दे रहा है कि जैसे वस्तु का अंतर कम होता है, प्रतिबिंब का अंतर भी कम होता है और प्रतिबिंब का आकार कम होता है। जब वस्तु दर्पण की तरफ आती है, उसका आभासी प्रतिबिंब भी दर्पण की दूसरी ओर दर्पण की तरफ आता है, उसी समय प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। सारांश, हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना और सिमुलेशन का उपयोग प्रतिबिंब के गुणधर्म जानने के लिए किया।